नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। पद्म भूषण सम्मान 17 और पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। जनरल रावत, उनकी पत्नी और वायुसेना के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। CDS बिपिन रावत के अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। खराब स्वास्थ्य की वजह से कल्याण सिंह का पिछले साल निधन हो गया था। CDS जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह के अलावा राधेश्याम खेमका को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। उनके अलावा प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, जबकि 17 हस्तियों को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। इसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल से कला के क्षेत्र में विक्टर बनर्जी, पंजाब से कला के क्षेत्र में गुरमीत बावा, बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में महाराष्ट्र से नटराजन चंद्रशेखरन, तेलंगाना से कृष्णा इल्ले और सुचित्रा इल्ला शामिल हैं। कृष्णा और सुचित्रा भारत बायोटेक कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की है। इन सभी को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यनारायण नदेला को भी पद्म भूषण दिया गया है। महाराष्ट्र से वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में साइरस पूनावाला को पद्म भूषण मिला है, जो सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कार देश के शीर्ष नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक सेवा, साहित्य, कारोबार, औषधि, खेल कूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।